मुझे बहुत कुछ ओपनली बोलना पड़ेगा, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मसी कागज छूयो नहीं, अरे कलम गई नहीं हाथ, चार जुग को महात्म, अरे मुख ही जनाई बात, बोले धूर पूरब का हो रे। पूर्वांचल के निवासियों को नमस्कार। पिछले साल जब महाकुंभ का आयोजन किया गया और सांस्कृतिक समारोह का जो आयोजन किया गया प्रयाग में, मुझे फोन आया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, सांस्कृतिक एक शाम की जो प्रस्तुति है वो आपका भी हमें चाहिए। हमने ऑफकोर्स हामी भरी, क्योंकि महाकुंभ के मंच पे उस माहौल में जाने का एक सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, और हम कलाकार लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि अलग से सब काम छोड़ के तीर्थ यात्रा पे निकल जाए या फिर ऐसे आयोजनों में हम लोग अलग से समय नहीं निकाल पाते हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग जगह को जब हम लोग दर्शन करते हैं, तो उसी बहाने जो भी आध्यात्मिक जो स्पृहा है अंदर, उसकी भरपाई शायद हम लोग ऐसे ही करते हैं समय की कमी के कारण। 2012 में मुझे याद है महाकुंभ के मंच पे मैं गई थी, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही वो आयोजन हुआ था, और मुझे अभी भी वो दिव्य जो माहौल है वो अभी भी याद है। इस बार कार्यक्रम होते होते अचानक लास्ट मोमेंट में फोन आता है, हमें अफसोस है कि ये इस पे भोजपुरी कुंभ में इंक्लूड नहीं है, भोजपुरी का स्थान नहीं है। मैं बहुत हैरान इसलिए नहीं हुई, 2012 की बात अलग है, सरकारी जो कार्यक्रम है मैं वहां बहुत कम दिखी गई हूँ। जो भी मेरा अब तक का भोजपुरी संगीत का जो यात्रा रहा पिछले 17 सालों का, मुझे गायिका, मुझे प्यार, मुझे सम्मान जो कुछ भी मिला वो आम जनता ने मुझे दिया है। सरकारी जो मशीनरीज है या उसका सुविधा लेके मैं बहुत आगे आने की प्रयास की भी नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, समय भी नहीं मिला ये सब सोचने का। लेकिन लगातार कुछ सालों से ये जरूर हो रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश की तरफ से जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम आता था लास्ट मोमेंट में वो एक हफ्ता पहले कुछ ना कुछ वजह के बोल के वो कैंसिल हो जाता था। तो इस बार भी जब कुंभ में ये हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि ये लगातार हो रहा था। आज मैं समझती हूँ वे सब बात बहुत खुल के मुझे लाना चाहिए, करना चाहिए, उसका एक कनेक्शन है और वो कनेक्शन पूर्वांचल से है। मुझे लगता है भोजपुरी को लेके इसलिए बात करना अब जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन के दूसरे या तीसरे दिन से ही जो दिल्ली से और बाद में मुंबई से भी जो हमारे एक वर्ग का पूर्वांचली लोगों का जो एक पैदल का यात्रा एक शुरू हुआ, उससे बहुत ज्यादा बहुत कुछ नंगा सामने आया मेरे सामने और देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने आया। लेकिन भोजपुरी गायिका कल्पना इस बार बहुत इन डेप्थ सोच रही है। मैं पहले भी बात कर चुकी हूं कि कोरोना आया है और बहुत जल्द चला भी जाए, लेकिन इसके बाद भी ये जो पलायन है, जो माइग्रेशन है, इसके बारे में गोल ओरिएंटेड होके हमें सोचना है, हमें इसके सॉल्यूशन को ढूंढ के कुछ काम करना है। मैं बहुत सोच रही थी, लगातार सोच रही थी, और सोचते सोचते मैं 2002 से भोजपुरी गायिका कल्पना, पूर्वांचल की गायिका कल्पना की जो यात्रा है, तमाम जो दिशा है अलग अलग, सबको एक साथ संगीत करते हुए मैं उसको देखने की प्रयास कर रही थी दोबारा पीछे घूम के, और मैं एक निष्कर्ष पे पहुंची हूं और मुझे लगा कि पूर्वांचली हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, कलाकार है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, पॉलिटिशियंस है, समाज सेवी है, बहुत जो पूर्वांचली पूर्वांचल के जो जिम्मेदार वर्ग है उनके सामने लाना जरूरी समझी। कुंभ में भोजपुरी
इंक्लूड नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ, ये इसके पीछे का एजेंडा क्या है? क्या यह कल्पना के पीछे की पीछे एक पर्टिकुलर पर्सनल अटैक के चलते कोई नहीं चाह रहा है कि कल्पना जो सम्मानीय मंच सब है वहां नहीं आए, या किसी को मुझसे खतरा महसूस हो रहा है, या फिर कल्पना नहीं आती, कल्पना इसलिए आई है क्योंकि ये पूर्वांचली संगीत है या फिर ये भोजपुरी संगीत है? क्योंकि एक बात इतने सालों में मैंने ध्यान दिया है, भोजपुरी कलाकारों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए, भले ही वो पॉलिटिकल मंच हो या बड़े बड़े मंच हो, जब जब भीड़ इकट्ठा करने की बात आई है, भोजपुरी कलाकारों को बहुत बाखूबी यूज किया गया है, हम लोगों को यूज किया गया है हर बार। यूज इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, जब भीड़ इकट्ठा करना होता है तो सब फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइंस, हम कलाकार सब गायक गायिकाएं सब याद आने लगते हैं, और जब सरकारी एक प्रेजेंटेशन जो जिसमें एक सम्मान भी है, जिसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जब लाने की बात आती है, अचानक वही सब कलाकारों को अश्लील बोल के उनको साइड कर दिया जाता है फिर इकट्ठा करते समय, लेकिन वो अश्लीलता याद नहीं आती है। बिहार में ये देखा गया है, मैं बहुत सम्मान के साथ बोल रही हूँ, मैं अलग अलग भाषा में गाती हूँ और अलग अलग भाषाओं को मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन यहाँ भाषाओं की बात नहीं हो रही है, आप लोग गलत नहीं समझे। इसमें पूर्वांचल के साथ भोजपुरी के साथ क्या राजनीति का एजेंडा बना के कैसे यूज किया गया, उसके पक्ष में जब मैं बात करने लगी हूँ तो मुझे बहुत कुछ ओपनली बोलना पड़ेगा, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। बिहार में जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात आती है, अचानक भोजपुरी को साइड करके मैथिली सामने लाया जाता है, मैथिली भाषा। उत्तर प्रदेश में फिर इकट्ठा करते वक्त भोजपुरी याद आया, लेकिन जब जब संस्कृति समाज परंपरा ये सब या फिर सरकारी जिम्मेदारी फोक एम्बेसडर ये सब करते समय अचानक उत्तर प्रदेश में अवधि सामने आ जाता है, ऊपर आ जाता है, भोजपुरी को हेड दृष्टि से बार बार देखा गया है। भोजपुरी लोक संगीत को लेके विश्व के अलग अलग मंच पे मैं गई हूँ, खासकर मैं रीफ की बात करना चाहूंगी। रिफ मतलब RIFF, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, ये सही मायनों में एक इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल है, जहां राजस्थान के लोक संगीत को लेके पूरे विश्व के सामने एक प्रस्तुतिकरण होती है, और इस तरह से जो टूरिस्ट है वो भी हमारे भारतीय लोक कला को लोक संगीत को समझने की प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका एक वाणिज्यकरण करने की भी कोशिश हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में भोजपुरी को कभी गाया नहीं गया, लेकिन 4 साल पहले 112 साल के उम्र के जो हमारे रामाज्ञा राम जी है और उनके मंडली को साथ में लेके हम वहां पे गए, 1 घंटा हम लोग भिखारी ठाकुर शैली को प्रस्तुत किए। कुंभ में ऐसा क्यों कहा गया कि यहां भोजपुरी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा? अगर उनमें चाहत होती, क्या राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जैसे मंच क्या वो लोग क्या समझते हैं जो एक इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल को चला रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजर्स है उन लोगों में बुद्धि नहीं है? अगर कुंभ चाहते तो 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा कल्पना जी, आपको भिखारी ठाकुर प्रस्तुत करना है, क्या ये नहीं हो सकता था? जानबूझ के ये नहीं चाहते हैं, एक वर्ग जो है जानबूझ के ये नहीं चाहते कि ऐसा हो और भोजपुरी जहां है वही रहे। सवाल एक एजेंडे बना के रखा जाता है कि भोजपुरी में फुहरता हो रहा है, अश्लीलता हो रहा है, लेकिन वो हमेशा इससे चाहते हैं कि ये सवाल ऐसा ही बना रहे, ये ऐसा ही रहे। मन से चाहती है, मन से चाहत ये नहीं है कि ये इसका समाधान निकाला जाए, इसको अच्छा किया जाए, क्योंकि उस सवाल के सामने उनकी स्थिति और कुछ है ही नहीं, उनके पास सृष्टि करने के लिए काम कुछ नहीं है, तो अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए भोजपुरी का बार बार सहारा लिया जाता है। इस राजनीति को भी समझना बहुत जरूरी है, ये जो एजेंडा है इसको लेके बात करना बहुत जरूरी है, इस पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इस पॉलिटिक्स का लिंक भोजपुरी जो संगीत की दुनिया है, फिल्म की दुनिया है, ये तो एक सामने है तो उस पर बात हो रही है, लेकिन ओरिजिनल जो इसके पीछे की जो भी राजनीति है उसका कनेक्शन पलायन तक है। पूर्वांचल का अलग से जो राज्य की मांग है ये बहुत ही जरूरी है, और पिछले 17 सालों से जो 2 बात मैं हमेशा सुनती आ रही हूँ, सवाल के रूप में ही सुनती आ रही हूँ, उसका जवाब ना तो किसी ने ढूंढने की प्रयास किया या फिर इच्छा है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं। एक तो है भोजपुरी में अश्लीलता है, दूसरा है भोजपुरी भाषा 8वीं सूची में कब जाएगी, तो इसका जवाब अब तक गोल प्राप्ति नहीं हुई है।
और मुझे लगता है ये बहुत लंबा ये खींचा जाएगा, ये मिलेगा कब क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग अगर कोशिश नहीं करेंगे, और इस कोशिश में मैंने खास भोजपुरी भाषा आंदोलन गीत भी एक तैयार किया था, क्योंकि भाषा आंदोलन होते हुए मैंने आसाम में देखा बसेला भाषा भोजपुरी में, बसेला भाषा भोजपुरी में, आठो पहर परान जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा, भोजपुरी के संविधान में हो, भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा, गोरखनाथ कबीर रघुबीर भोजपुरी में गवले, मिसिर महेंद्र जी यही में पूर्वितान सुनवले, भिखारी ठाकुर भोजपुरी माई के रहस गुमान जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा, छिड़ल लड़ाई भोजपुरी के हक ही सायब चाही, जागल भोजपुरी आ जवान अब रोक ले रोकी नाही, संविधान से ली हम मान्यता, संविधान से ली हम मान्यता, रही कि जाई जान जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा। जब तक पूर्वांचल अलग से राज्य नहीं होगा, भोजपुरी एक राज्य की जो मातृभाषा भोजपुरी हो जाएगी, वो जो सम्मान प्राप्त करेगी, और वो ये जो एक अलग यात्रा शुरू होगी, मुझे नहीं लगता कि बिहार में मैथिली के सामने भोजपुरी को वो इज्जत मिल सकती है, मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में अवधी के सामने वो इज्जत भोजपुरी को लेने देंगे कोई। भोजपुरी में वो ताकत है, भोजपुरी बोली में, भोजपुरी में वो शक्ति है, और बहुत लोग इसको एक दिखाता नहीं, अंदर ही अंदर उसको एक खैर की तरह लेते हैं, जानते हैं एक डर है, लेकिन उसको हमेशा मॉरल एक डाउन करने के लिए, मनोबल डाउन करने के लिए बार बार कहा गया कि तुम नीचे हो। तो इस पे सीरियसली सोचा जाए, और पूर्वांचल राज्य की जो अलग से मांग जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, मैं एक आवाज बन सकती हूँ, हर तरह से मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी स्वार्थ है। आसाम से होने के बावजूद कल्पना का परिचय एक भोजपुरी गायिका है, तो मेरा भी इसमें स्वार्थ है, लेकिन इस आंदोलन को जिस रूप से लेके आगे जाना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति मुझे मेरे सामने बहुत कुछ नहीं। मैंने सर्च करने की कोशिश की, मैंने देखा बहुत लोग धरने पे भी थे, और खासकर हमारे माननीय अठावले जी, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। मैं पूर्वांचल निवासियों का बोलना चाहती हूँ, खासकर युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, साहित्यकार, बड़े बुजुर्ग है, सबको एकजुट होके आना है। जो भी पूर्वांचल के इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, नौजवान जो स्टूडेंट्स है, उनको मैं बोलना चाहती हूँ, सब लोग एकजुट होके जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम है, उसको सम्मान रखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना है। और भोजपुरी के लिए ही, या लोक संगीत की अलग अलग भाषाओं के लिए ही, मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया। जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के धरोहर को आगे रख के हुए, ये जो इस पार्टी की जो एक अभिप्राय है, एक देश निर्माण की जो बात है, संस्कृति को ध्यान में रख के, भाषा को ध्यान में रखते हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और अभी भी प्रभावित हूँ। और इस सरकार के साथ में रह के ही पूर्वांचल राज्य की मांग को आगे लेके जाना चाहती हूँ। सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पूर्वांचल मतलब मेरे लिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिला है, और बिहार के छपरा, मोतिहारी, सिवान, आरा, अलग अलग क्षेत्र को बाहर करके अलग भोजपुर की मांग या फिर अलग पूर्वांचल की मांग कैसे हो सकती है। पूर्वांचल अलग राज्य की मांग तो हो रही है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को लेके हो रही है। तो मुझे ये प्लीज समझाने की कृपा करें, मैं बहुत समझी नहीं। मेरे हिसाब से पूर्वांचल राज्य अगर हो, बिहार के उन जिलों को भी लिया जाए और उत्तर प्रदेश के उन जिलों को भी लेके एक साथ जो पूर्वांचल है उसको आगे बढ़ाया जाए, और वो अलग से राज्य होने चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो पलायन करने को जो मजबूर है एक वर्ग, अलग से जब एक राज्य के लिए फंडिंग होगा, भोजपुरी भाषा ऑफिशियल भाषा हो जाएगा, तो उसकी गरिमा बढ़ेगी और अश्लीलता का जो मुद्दा है वो भी खत्म होगी। क्योंकि आप जब एक बोली को भाषा का दर्जा देंगे, बहुत कुछ अपने आप फिल्टर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके लिए जो सिस्टम हो, जो प्लानर्स होंगे, एडवाइजर्स होंगे, और इसमें लीगल सिस्टम का कम्प्लीट एक प्लानिंग करके आगे बढ़ा जाए, और चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा।
पूर्वांचल राज्य अलग से जब होंगे तो हमें हमारे हाल पे आप लोग छोड़ दीजिए, आप गरिमामयी अलग जो बोली है बिहार के उनके साथ आप लोग खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए, और उत्तर प्रदेश की भी अवधी भाषा की जो एक गरिमा है और रहा है, हर भाषा हर बोली की एक गरिमा है, लेकिन दूसरे एक बोली को नीचा दिखा के आप अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। ये राजनीति सभी को समझ में आता है। भोजपुरी बोली को भी वो गरिमा वापस मिले, संविधान की 8वीं सूची में भाषा का दर्जा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल के वर्ग ने जो मजदूरी करते हैं उस वर्ग ने पूरे हिंदुस्तान को बनाया है, लेकिन अपने ही जब घर तलाशने की बात आती है तो बेसहारा होकर रास्ते पे उतर आने को मजबूर होता है। पूर्वांचल राज्य की अलग से मांग में मैं कल्पना आप सभी के साथ खड़ी हूँ, एक साथ हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। भैया हो भैया मजदूर भैया के हमता बनल किसान, हमता बनल किसान कि हमर बेटा भूखा ले सुते हो राम, हल हम जोतिला अनउपा जाविला, हल हम जोतिला अनउपा जाविला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखा ले सुते हो राम, रुई हम धुनिला कपड़ा बनाविला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान कि हमर बेटा लौटे घूमे हो राम, कि ईटा हम पारिला महल बनाविला, ईटा हम पारिला घरवा बनाविला, महला दो महला आसमान, महला दो महला हिंदुस्तान कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान, कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। ये सहानुभूति अब और नहीं चाहिए, और ऐसे गीत सुन के ताली बजा के वाह वाह करके अपने ही दुख के बारे में भूलना भी अब उचित नहीं है, बहुत हो चुका।